नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक। आज हम आपको एक बहुत ही रोचक और बहुत ही जानकारी देने वाला वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं तो आपको हाईवे पर इंटरसेप्टर, पुलिस की इंटरसेप्टर हर जगह जरूर नजर आएगी। और इंटरसेप्टर में किस प्रकार से जो है वाहन आते हैं हाईवे पर, उनकी स्पीड मापी जाती है और किस प्रकार से कार्रवाई होती है, वो मां सारी की सारी चीज़ इंटरसेप्टर के अंदर कैसे स्पीड मापी जाती है कि सामने वाली जो गाड़ी आ रही है वो कितनी स्पीड से आ रही है, वो सारी की सारी चीज़ बताएंगे। आज हम आपको बाड़मेर पुलिस की इंटरसेप्टर जो बाड़मेर और गुजरात जाने वाले इस हाईवे पर खड़ी है, और यहाँ से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरी की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और इन पुलिस के अधिकारी और जो जवान यहाँ खड़े हैं उनसे भी हम बात करके पूरी बात बताएंगे। और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए किस प्रकार से कोई अगर गाड़ी आती है तो उसकी स्पीड कैसे मापी जाती है कि सामने वाली जो गाड़ी है। पहले मैं आपको मशीनें दिखाऊंगा, ये इंटरसेप्टर मशीन जो गाड़ी है उसकी मशीनें हैं। आप देखिए कि ये कैमरा अंदर से इंटरसेप्टर गाड़ी का जो लगा हुआ है, ये वो मशीन है जिससे स्पीड मापी जाती है। यहाँ जो ऑपरेटर है, इस मशीन के ऑपरेटर, वो यहाँ पर बैठकर पूरी तरीके से चलाते हैं। पूरा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, कोई भी गाड़ी सामने से आ रही है तो उससे यह पता लगाया जा सकता है इस मशीन से कि सामने वाली गाड़ी कहीं ओवर स्पीड तो नहीं है, और अगर ओवर स्पीड होती है तो उसके चालान काटे जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मशीन के अंदर किस प्रकार से सिस्टम काम करता है, कैसे ये सारा का सारा चीज़ें काम करती हैं। आप देखिए कि ये जो मशीन है, इस मशीन के माध्यम से सामने आपको एक ट्रक आता नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। देखिए इस ट्रक की स्पीड क्या है, आप देखिए इस ट्रक की स्पीड 67 की स्पीड है प्रति घंटा किलोमीटर, 67-68 की स्पीड आ रही है जो सामने ट्रक आ रहा है। तो ये स्पीड जो है वो मापी जा सकती है। आप देखिए कि यहाँ अगर ये ओवर स्पीड होता है तो इन के खिलाफ पुलिस चालान काटेगी, और सामने जो ट्रक आ रहा है, ट्रक यहाँ कैमरे में स्पष्ट आपको दिख रहा है, और इसके नंबर भी, ये देखो नंबर भी पूरी फुल स्क्रीन पर जो इनके पास हुए हैं, आज नंबर भी आ जाते हैं, स्पीड भी आ जाती है। तो अब इन्होंने इन ट्रक को रुकवाया है और इन ट्रक वाले से बात करेंगे कि आप अपनी गाड़ी है वो ओवर स्पीड मत चलाइए, यहाँ क्या स्पीड होनी चाहिए और कितनी स्पीड में आ रही, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। अच्छा, बोर्ड पर लिखा हुआ है, जहाँ बोर्ड होता है वहाँ खड़े देते हैं। चलो अब इन ट्रक को भाई साहब ने रुकवाया है, ट्रक के चालक जो है वो भी आ गए हैं यहाँ पर, और ये ट्रक सामने आ रहा है। इसकी स्पीड जो भारी वाहन की वो 70 के अंदर होनी चाहिए, और देखिए जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहाँ भारी वाहन जो है उसकी स्पीड 70 के अंदर होनी चाहिए। तो ये स्पीड जो थी वो कहीं ना कहीं ओवर स्पीड थी। तो अब ये जो है इनको समझा रहे हैं कि आपकी तो ये इनको समझाइश कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी है वो ओवर स्पीड नहीं चलाएं, किसी प्रकार के कोई हादसे नहीं हो, जिस प्रकार से हाईवे पर लगातार हादसे होते थे, तो उन हादसों की रोकथाम के लिए लगातार ये पुलिस की सराहनीय पहल है। यहाँ जो ऑपरेटर और पुलिस के जवान लगे वो रुकवाते हैं गाड़ियों को, उनसे समझाइश करते हैं कि अपने वाहन आराम से चलाएं, ओवर स्पीड नहीं चलाएं। तो ये इंटरसेप्टर का वीडियो संभवतः आज आपने पहली बार मोबाइल की स्क्रीन पर देखा होगा, कि आज आप पूरी पूरी जानकारी देते हैं। और हम इन भाई साहब से, सुरेश कुमार जी से बात करते हैं। सुरेश जी काम भी कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। सुरेश जी, किस प्रकार से इंटरसेप्टर मशीन ये काम करती है? देखिए इसमें ये लेज़र लगी हुई है। हाँ, जो गाड़ी यहाँ से 1800 मीटर 2 किलोमीटर दूर से ही लेज़र हम उसके ऊपर डालते हैं, तो गाड़ी की जो स्पीड होती है हाँ वो हमारे स्क्रीन डिस्प्ले पे आ जाती है, डिस्प्ले, और इसका पूरा फुटेज जो वीडियो है वो वीडियो भी पूरा बनता है। अच्छा, इसका कैमरे की क्वालिटी वो बहुत अच्छी है कि हाई क्वालिटी का कैमरा है जो 2 किलोमीटर के अंदर पूरा 68 वो जूम करके उसको ये पूरा दिखा देता है। अच्छा, तो ये आपको मशीन चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग मिलती है या क्या? हम कोर्स करके आए हैं इसका अलग से। हाँ, तो हाईवे पर हर जगह पर आप रोकवाते गाड़ी इस प्रकार की, और जो ओवर स्पीड में चालान काटे जाते हैं? जी है, नहीं जगह एस पी साहब की तरफ से निर्धारित की हुई है, वहाँ रुकते हैं और वीक वार के हिसाब से अलग अलग जगह निर्धारित कर रखी है। हाँ, उसके हिसाब से हम खड़े रहते हैं। हाँ, अच्छा, तो जैसे कोई ओवर स्पीड, ऐसी भी गाड़ियाँ आती होगी जो ओवर स्पीड आपको रुकवाने के बावजूद नहीं, तो ऑनलाइन चालान कट जाता है उनका? ऑनलाइन अभी हमारे पास, पुलिस के पास ऑनलाइन का नहीं है। हाँ, संयुक्त में करते हैं, तो जब आरटीओ साहब होते हैं हमारे साथ में होते हैं। हाँ, तो आरटीओ साहब वो ऑनलाइन कर देते हैं चालान, जैसे मान लो गाड़ी यहाँ यहाँ पे नहीं किया है तो उनके घर पे चालान जाता है, तो सिस्टम आरटीओ के पास है। देखिए इंटरसेप्टर की जो है
कार्यवाही यहाँ पर बाड़मेर के और बाड़मेर के बीच में जो गुजरात हाईवे है वहाँ पर चल रही है। और आप इंटरसेप्ट की तस्वीरें देखिए, कोई भी अगर सामने से गाड़ी आती है तो वहाँ, अब यहाँ पर एएसआई साहब लूणाराम जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस प्रकार की कार्यवाही होती है। जो कोई भी ओवर स्पीड आता है तो उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई करते हैं। और इंटरसेप्टर की गाड़ी आप देखिए कि एक अर्टिगा गाड़ी है, वो पूरी तरीके से उसको इंटरसेप्टर बना दिया गया। और कोई भी वाहन अगर ओवर स्पीड से हाईवे पर चलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। खास बात यह है, बड़ी बात यह है कि हाईवे पर जिस प्रकार से ओवर स्पीड के कारण हादसे होते हैं उनकी रोकथाम के लिए पुलिस की ये अच्छी पहल है। हालांकि शुरू से ही काम चलता रहता है, लेकिन अब पुलिस के इंटरसेप्टर आपको हर हाईवे पर नज़र आएगी, क्योंकि ओवर स्पीड चलने वाले वाहनों, भारी वाहनों पर अंकुश, इस प्रकार के ओवर स्पीड पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये ट्रक चालक भाई साहब हैं, ये ओवर स्पीड चल रहे तो इनका चालान काटा गया है। भूर सिंह जी हैं, भूर सिंह जी कहाँ से आ रहे थे आप? यहीं खाली करके अपना ट्रक आए हैं। अब हम लूणाराम जी से बात करेंगे। सर, किस प्रकार की कार्यवाही जो है वो इंटरसेप्टर द्वारा की जाती है? हमारी जो है एसपी साहब के आदेश अनुसार इंटरसेप्टर आने वाली सप्ताह में एक बार ड्यूटी आती है। तो हाईवे पे जो भी निर्धारित जो गाड़ियां हैं उनकी हर गाड़ी की अलग अलग निर्धारित तो गति की जो दी हुई है, हाँ, तो निर्धारित गति के अलावा जो भी ओवर स्पीड जो होता है, ओवर स्पीड में जो गाड़ियाँ चलती है उनका जो हमारा इंटरसेप्टर गाड़ी के अंदर जो ये मशीन लगी हुई है वो मशीन जो है ऑटोमेटिक बता देती है कि फला गाड़ी जो है ओवर स्पीड में आ रही है, जिसका हम मतलब ये एक्सीडेंट की जो गतिविधियाँ उनको रोकने के लिए उनका चालान करते हैं। अच्छा सर, इसमें क्या चालान क्या रहता है, किस प्रकार का रहता है, अलग अलग है या कैसे होता है? जो ओवर स्पीड में जो भी गाड़ियाँ हैं उनका मिनिमम निर्धारित है जो चालान जो है, हाँ, वो काटा जाता है। अच्छा, क्या सर, आप इंटरसेप्टर में हैं तो चालकों से, वाहन चालक उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आज भी आपने सुना गुड़ामाला में बड़ा हादसा हुआ है, तो क्या उनसे अपील करना चाहेंगे भी गाड़ी किस प्रकार से? चालकों से यही अपील करना चाहते हैं कि अपने जो निर्धारित गति दी हुई है गति से बाहर गाड़ी नहीं चलाए, ताकि किसी की जान नहीं जाए, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, किसी की जान नहीं जाए। बिल्कुल, ये लूणाराम जी बाड़मेर पुलिस से जो है उनका कहना है कि हम लोग अपील भी करते हैं और ओवर स्पीड जो गाड़ियां चलती हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। तो आप देखिए कि इंटरसेप्टर का वीडियो आज हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की इंटरसेप्टर का, कि किस प्रकार की इंटरसेप्टर के अंदर जो पुलिस मशीन जो लगी हुई होती है जो स्पीड को बताती है कि सामने वाली जो गाड़ी आ रही है वो किस स्पीड से आ रही है और किस प्रकार की मशीन की बनावट है, कैसे इनके ऑपरेटर जो वो काम करते हैं, सारी की सारी चीज़ आज आपको दिखा रहे हैं। जो वीडियो, जैसा वीडियो आपने शायद पहले मोबाइल पर नहीं देखा होगा, इंटरसेप्टर का अंदर एक बहुत शानदार कैमरा भी लगा हुआ है और लेज़र है, जो सामने से गाड़ी अगर 2 किलोमीटर दूर तक आ रही है तो उनको ये जो लेज़र है वो और ये कैमरा कैच कर लेते हैं कि वो स्पीड कितनी स्पीड में है, गाड़ी के नंबर क्या है, कौन सी गाड़ी है। इतना कैमरे की क्वालिटी अच्छी है कि इस गाड़ी के 2 किलोमीटर दूर गाड़ी जो आ रही होती है उसमें जो ड्राइवर बैठा है उसके भी फेस चेहरा है वो भी इसमें साफ नज़र आ जाता है।